फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम को देखते हुए लगातार साइंस का क्वेश्चन कराया जा रहा है। आज जो होगा डे 7 होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले 5-6 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें से 180 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज जो होगा वो 30 क्वेश्चन होने जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहते हैं, साइंस का एनसीईआरटी कक्षा 10 का विज्ञान का जो है लगभग 500 प्लस क्वेश्चन कराया जा चुका है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को अवश्य देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, एक बार हम ऑप्शन पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। इसी दौरान आपको अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना है और बाद में कमेंट बॉक्स में करना है कि आपको 30 में कितने नंबर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने, न्यूटन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैडविक ने। चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, यह आपको बताना है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग को नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या को, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को। परमाणु क्रमांक उसे बोलेंगे जो किसी तत्व के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होगा उसे ही परमाणु क्रमांक बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। और परमाणु द्रव्यमान उसे बोलेंगे जब किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग को परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। तो यहाँ परमाणु क्रमांक पूछा है, इसीलिए नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? इसका जवाब दीजिए 2, 4, 6 या 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पूछा है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हमको यही देखना है, इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है। तो नाभिक में जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उतना ही उसका परमाणु द्रव्यमान संख्या हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाभिक का आकार होता है 10^10 मीटर, 10^9 मीटर, 10^-9 मीटर, 10^-3 मीटर, 10^-15 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10^-15 मीटर। और नाभिक का अगर त्रिज्या का आकार पूछेगा तो 10^-10 मीटर हो जाएगा। तो नाभिक का आकार 10^-15 मीटर है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, ये आपको बताना है। रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, चैडविक ने, एंडरसन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंडरसन ने। एंडरसन ने जो है पॉजिट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो आपको बताना है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? 0 होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन का लगभग सब चीज़ 1 होता है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 न्यूट्रॉन होता है। सारा चीज़ इसमें 1-1 होता है और इसमें आवेश जो है +1 ही होता है। तो हाइड्रोजन का याद रखिएगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? थॉमसन, जेम्स वाट, गैलीलियो, रदरफोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन वहन करता है। एक यूनिट ऋणावेश इलेक्ट्रॉन कितना आवेश वहन करता है, ये आपको बताना है। एक यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 यूनिट ऋणावेश। 1 यूनिट ऋणावेश का अर्थात हुआ, 1 यूनिट ऋणावेश में 1.6×10⁻¹⁹ कूलम आवेश होता है जो इलेक्ट्रॉन वहन करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं कहलाते हैं।
आपको बताना है जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। संभारिक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्थानिक। जब भी पूछे परमाणु क्रमांक समान तो समस्थानिक होगा, जब बोलेगा कि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होगा, तो परमाणु द्रव्यमान समान होगा तो उसे बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान समान अर्थात संभारिक, या इंग्लिश में उसे आइसोबार बोलते हैं। तो परमाणु यहाँ पे पूछा है परमाणु क्रमांक समान तो समस्थानिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तो जो है वो तत्वों में पाए जाते हैं, अणु में पाए जाते हैं, परमाणु में पाए जाते हैं, यौगिक में। तो जो है समस्थानिक गुण तत्वों में ही पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, तो परमाणु जो होते हैं वो तत्वों में ही होते हैं। तो तत्व है जो गुण तत्व जो समस्थानिक गुण जो है वो दो तत्वों के कंपेयर से ही जो है मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्व। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति, रेडियो एक्टिव विघटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटेगा तो उसे नाभिकीय विखंडन बोलेंगे, और जब दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक में जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पे दो भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूट रहा है इसलिए नाभिकीय विखंडन इसका सही आंसर हो जाएगा। दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रासायनिक क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, जैसा कि अभी बताया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु बम किसके सिद्धांत पर आधारित है ये आपको बताना है। नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर, उपयुक्त दोनों उपयुक्त में से किसी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। तो यहाँ पे परमाणु बम पूछा है इसलिए नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है यह आपको बताना है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गामा किरणें। और रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है? ये पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है, इसे कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। अभी तक टोटल 24 रेडियो सक्रिय पदार्थ का बनाया जा चुका है आर्टिफिशियल तरीके से, और ये अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है, रेडियो सक्रियता पदार्थ जो होता है वो अस्थिर होता है। और पहली बार जो निकाला था वो प्लूटोनियम से निकला था, गामा किरण। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गामा किरणें। कोबाल्ट 60 विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। और गामा किरणें के बारे में आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। ये गामा किरणें क्या होता है? एक प्रकार का फोटोन होता है। इसकी ऊर्जा अन्य सभी फोटोन ऊर्जा से अधिक होती है। गामा किरणें का जो खोज किया था वो पाउल अलरिच ने इसका खोज किया था। जब वे रेडियम से निकलने वाले विकिरण का खोज कर रहे थे तभी जो है गामा किरण का खोज किया था। और इसकी भेदन क्षमता जो है अल्फा और बीटा से अधिक होता है गामा किरण का भेदन क्षमता। और ये गैस को भी गामा किरण जो है आयनीकृत कर सकता है। इसका उपयोग समझते हैं। इसका उपयोग घनत्व तथा मोटाई मापने के लिए करते हैं, जीवाणु को मारने के लिए करते हैं और इसका उपयोग कैंसर के चिकित्सा में भी करते हैं। तो यहाँ पे चिकित्सा में प्रयुक्त जो होता है वो गामा किरणें होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में किसे मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं? एक होता है मंदक और एक होता है नियंत्रक। तो याद रखिएगा मंदक के रूप में जो प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम, साधारण जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। तो बता रहे थे मंदक के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं वो ग्रेफाइट या भारी जल। और जब नियंत्रक के रूप में बोलेगा
तो नियंत्रक के रूप में जो है कैडियम का रूप ये विखंडन की गति को जो है नियंत्रित करता है। तो नियंत्रक के रूप में जब प्रयोग करेगा करेगा तो कैडमियम की छड़ हो जाएगा। कैडमियम की छड़ का प्रयोग नियंत्रक के रूप में करते हैं, जबकि मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। और नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं वो यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है ये आपको बताना है, यानी परमाणु भट्टी का प्रयोग कहाँ होता है। एक्स किरण के उत्पादन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में, ताप नाभिकीय संलयन प्रचालन में, परमाणु त्वरण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। परमाणु पाइल या परमाणु भट्टी एक ही बात है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्यूरी किसकी इकाई है ये आपको बताना है। क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिव धर्मिता की, तापक्रम क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तापक्रम क्योंकि यह जो है अल्फा गामा किरण उत्सर्जित करता है, ऊष्मा की या ऊर्जा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता का जो है इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रण संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रण विखंडन द्वारा, अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर जो है नाभिकीय रिएक्टर संसार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो बनाया था, नाभिकीय रिएक्टर जो होता है वो नियंत्रित विखंडन द्वारा जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है। और एक चीज़ बता रहे थे, संसार का पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो 1942 में प्रोफेसर फर्मी के डायरेक्शन में बनाया गया था। प्रोफेसर फर्मी के संसार का पहला जो नाभिकीय रिएक्टर था वो भी 1942 में प्रोफेसर फर्मी के द्वारा बनाया गया था। तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है नाभिकीय नियंत्रित विखंडन द्वारा, और नियंत्रण के रूप में कैडमियम का छड़ का प्रयोग करते हैं, और जो मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदक, जैसे कि अभी बताया। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसके निष्कर्ष है, क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, या ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है, दोनों दिशा में, किसी भी दिशा में प्रवाहित होने नहीं देती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायोड जो होता है ये एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है, और ये एक ही दिशा में इसका धारा जो है प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है ये आपको बताना है। सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, जहाज वायुवान आदि को ढूंढना या मार्गदर्शन के लिए, ग्रहों को देखने के लिए, भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहाजों वायुवान आदि को ढूंढना या मार्गदर्शन मार्ग निर्देश करने के लिए। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है ये आपको बताना है। हेलोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोक्रोमेटिक, रेडियोग्राफी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिविमीय चित्र जो है होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा था ये प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था। न्यूटन ने, एडविन हब्बल ने, गैलीलियो ने, कॉपरनिकस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हब्बल ने, एडविन हब्बल ने जो है ये बताया था कि ब्रह्मांड लगातार प्रसार हो रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने, कॉपरनिकस ने। तो ग्रहों का गति का नियम जो है सर्वप्रथम जो है प्रतिपादन किया था वो केपलर ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था। अरस्तु ने, गैलीलियो ने, कॉपरनिकस ने, एडविन हब्बल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 207 का सी नंबर, कॉपरनिकस ने जो बताया था सूर्य के चारों ओर जो है सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं ये प्रमाणित किया था कॉपरनिकस ने, और ग्रहों का खोज जो किया था वो केपलर ने।
ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। इसीलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, आपको बताना है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय अभिखंडन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। तारे व सूर्य का ऊर्जा जो मिलता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, आपको बताना है। फोटोमीटर, बैरोमीटर, विस्कोमीटर, इंटरफेरोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरफेरोमीटर। तारों व आकाशगंगा का जो व्यास मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं वो इंटरफेरोमीटर का। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापते हैं, विस्कोसिटी श्यानता मापते हैं, और फोटोमीटर जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेडिएशन मापता है, यानी विद्युत चुंबकीय का विकिरण मापने के लिए करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का विकिरण मापने के लिए फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। बस आज भर इतना ही था। अगर पसंद आए वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फर्स्ट काम जो है आपका कि आपको 30 में से कितने नंबर आए वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 30 में से कितने नंबर आए ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और लाइक तो करना ही है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।